गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप अपने स्किन को मेरे तरह ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो एंड 2024 में अपने आप को एक न्यू लुक देना चाहते हो, न्यू कॉन्फिडेंस देना चाहते हो, तो ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मैंने अपने स्किन को बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है। पहले मैं ऐसी दिखती थी, अब मैं ऐसी दिखती हूँ और मैंने बहुत कुछ किया भी है, तो मुझे बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया है। तो मैं आप लोगों को जो चीज़ सजेस्ट करूँगी वो आप लोगों को 110% वर्क करेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बनते हैं, अभी स्किन केयर अच्छा है पर ओवर रेटेड है। हमारे स्किन में कोई भी सेकेंड लेयर से ऊपर कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होता है। तुमने एक क्रीम लगाई, ऊपर सनस्क्रीन लगाई, बात खत्म हो गई। उसके ऊपर आप 10 क्रीमें, आजकल देखता हूँ मेरे यहाँ पेशेंट आते हैं, 10 स्किन केयर रूटीन, 7 स्टेप 8 स्टेप, व्हाट डू यू डू, इज दिस ऑल यू डू एट होम, जस्ट कीप पुटिंग क्रीम्स ऑल डे, बाकी भी तो काम करना है हमें। यू आर नॉट बेनिफिटिंग योर सेल्फ, यू आर ओनली बेनिफिटिंग द कंपनी हु मेड दैट थिंग और द पर्सन हु रोट इट फॉर यू। You're not benefiting yourself with 1%. So skin care, you have to use what are the right things, but all you need is one or two ingredients. You don't need these 10 things that separate cream. So just 7-step skin care routine, 10-step skin care routine. So दो second layer के आगे कुछ absorb होता ही नहीं है हमारे skin में। हमारा skin ऐसे नहीं है कि जो लगाओ अंदर घुसता ही रहेगा, वो खाली it's just keeping you busy. That's what. A lot of times you read something that that a celebrity says in a magazine, and then you want to do just that one thing. And you're not really focusing on, say, what I'm doing entirely, which is how many hours of sleep I'm getting. Am I getting quality sleep? How much am I hydrating? And most importantly, are you doing it consistently? It's not something that you just decide, okay, I'll do it for 10 days or 2 months and forget about it. Even diets for that matter, you know, people kind of just go on these fad diets. And that can also take a toll on your skin health. I try to avoid dairy, I try to avoid gluten, and I try to avoid anything that has refined sugars. You'll see a big difference in your skin for sure. You should have a lot of water. I think for me personally, I drink up to 4 liters a day, but I think, you know, you can do what's right for you. But a lot of water is very important to keep your skin glowing and looking fresh. I avoid too much salt. I avoid oil even in my food. I just have about 1.5 tablespoons of oil. Sodium is a complete no-no. So sometimes for dinner, I love fish. I love salmon. So whenever I can order salmon or red snap or any fish at home, surmai, pomfret, whatever it is, I try to eat fish at night. If not, I'll eat the same thing that I've eaten. मैंने केमिकल वाली चीज़ें भी यूज़ करके देखी हैं और मैंने टोटका जो घर में होते हैं होम रेमेडीज़ वो भी की हैं। ट्रस्ट में जो होम रेमेडीज़ हैं वो बहुत बेहतर होती हैं। अच्छा। ये केमिकल वाली आप वक्ती तौर पे तो अपनी स्किन पे क्रीम्स लगा लोगे, हाँ। लेकिन वो 3-4 हफ्तों बाद ही ना आपकी स्किन फिर वैसी हो जाएगी। सो गाइज, मैंने जो क्लिप्स लगाया है वो क्लिप्स को आप लोगों ने तो सुन लिया है कि कोई सेलिब्रिटी हो, बड़े से बड़ा चीज़ हो, स्किन केयर क्या है, डॉक्टर ने भी क्या बोला है वो भी आप लोगों ने सुन लिया है। तो स्किन केयर रूटीन में इतना ज़्यादा झुक मत जाना। स्किन रूटीन बहुत ही सिंपल रखो, अपने डाइट को मेंटेन रखो और अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को, बस उससे ही आपका स्किन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगी। तो गाइस, मेरा स्किन का कलर पहले बहुत ज़्यादा डार्क था, क्योंकि पहले उतना ज़्यादा केयर भी तो नहीं करते थे ना, जब हम लोग टीनेज में होते हैं, स्कूल में एटलीस्ट होते हैं, टीनेज में भी नहीं, स्कूल जब छोटे होते हैं तब हम लोग धूप में बहुत ज़्यादा रहते हैं। और स्किन का जो कलर के लिए अभी का जो चल रहा है, अभी का जो 2020 के बाद जो चल रहा है, एंड अभी जो देख रहे हैं 1.5 साल से कोरियन स्किन ग्लास, पहला बात है कि कोरियन स्किन का ग्लास स्किन हम लोगों को नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे जेनेटिक वो अलाउ नहीं करता है। हमारे इंडियन में डाइट ही अलग है, उनका डाइट अलग है, उनका जेनेटिक अलग है। जैसे मेरा माँ बाप दोनों सांवले है, डस्की स्किन टोन का है, तो मैं भी वैसे ही रहूँगी। मेरा जेनेटिक अलाउ नहीं करता है कि मैं एकदम गोरी चिट्टी बन जाऊँ, वो नहीं हो सकता है। मैं अपने आप को एक बहुत अच्छे से ग्रूम कर सकती हूँ, अपने आप को मैंने बहुत अच्छे से मेरे स्किन केयर करके एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन दे सकती हूँ, क्योंकि मेरा जेनेटिक उतना ही अलाउ करते हैं। रंग को गोरा करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है, और जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, परमिनेंट भी नहीं है, क्योंकि कुदरती जो चीज़ें होती है उसका कोई डुप्लीकेट कुछ बना नहीं सकते हो। सो गाइज, मेरा जो स्किन कलर जो था पहले जो डार्क था,
तब मैं तो चलो उतना समझ में नहीं आता था, पर मैं टेन क्लास जब मैं टेन में आई बोर्ड का एग्जाम देने से पहले ही एट पास करने के बाद से मुझे थोड़ा अपने स्किन को लेके मैं कॉन्शियस हो गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लैक हो गया था। फिर एक होता है ना गांव देहात में होता है कि लड़की का शादी कैसे होगा, दहेज देना पड़ेगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ बातें चलती है, मेरे साथ भी हुआ है। एनीवेज तो ये सारी चीज़ तो चलती रहती है। फिर मेरे स्किन में इतना ज़्यादा पिंपल हो रहा था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने का इंटरनल प्रॉब्लम था, तो मैंने पिंपल के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा ये किया, मतलब मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रही थी। तो प्रोडक्ट वाला वगैरह का तो कुछ पता नहीं था, पर मेरे घर पे मैं बचपन से अपने माँ को, दादी, नानी, खाला, फूफी, जहाँ पूरा खानदान में जहाँ पे भी जाओ सब कोई नेचुरल चीज़ें, होम रेमेडीज बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, तो मैं भी वो सारे चीज़ यूज़ करना शुरू कर दिया था। एंड साथ ही साथ में मेरी माँ बोलती थी कि सब्जी खाओ, फ्रूट खाओ, और छोटा सा ही ना मेरे को ना डाब का नाडे पानी खिलाने का ना आदत लगा दिया था क्योंकि पिंपल्स हो रहा था, और डॉक्टर ने भी बोला था कि पानी वानी नारियल पानी पीना और 3-4 लीटर ऐसे पानी पीना ताकि पेट क्लियर रहे, हाँ पॉटी क्लियर हो, सिंपल बात है पॉटी क्लियर होता है कि गर्मी पेट गर्म रहता है तो फिर भी आपको पिंपल होता है, तो वो सारे चीज़ें था। तो मैंने वहाँ से मैंने अपना जर्नी शुरू कर दिया था। तो फिर मैं धीरे धीरे मैं मुझे समझ में आई चीज़ें कि मतलब अच्छा खाते हो ना तब के स्किन में भी दिखता है वो, ठीक है। तो मैंने वहाँ से शुरू किया था। मैं ना वर्कआउट करने का कोई स्कोप नहीं था क्योंकि जिम टिम नहीं था, बट मुझे पता था कि मुझे करना तो है क्योंकि मैंने मैगजीन में पढ़ा था, मैं मैगजीन बहुत पढ़ती थी, मैं बॉलीवुड एक्ट्रेस का मैं बहुत मतलब एक होता है ना आप देख के आपको एक ये होता है कि आप इसके तरह दिखोगे। मुझे दीपिका पादुकोण बहुत ज़्यादा पसंद थी और दीपिका पादुकोण का मैं बहुत सारे इंटरव्यू देखा था, पहले जूम टीवी में आता था, सो वो सारी चीज़ मैं देखी सुनी थी, मैगजीन पढ़ती थी। फिर मेरे अपना मतलब मैंने स्कूल वॉक करके मैंने जाना आना शुरू कर दिया, 1 घंटा लगता था स्कूल जाने के लिए, 1 घंटा पौने 1 घंटा बहुत लॉन्ग डिस्टेंस था, तो 2 घंटा मेरा आने जाने में लग गया, तो मेरा वॉकआउट तो हो गया। मॉर्निंग में उठने का तो छोटा सा ही आदत है क्योंकि सुबह 6 बजे ट्यूशन होता था तो 9, 9:30, 10 के बीच में सो जाती थी, तो वो एक हो गया। घर में मेरा बहुत ज़्यादा सब्जी बनता था, मछली बहुत बनता था, मछली बहुत ज़्यादा अच्छा होता है स्किन को शाइनी एक ग्लोई करने के लिए, बहुत हेल्प करता है, सो वो भी मेरा डाइट पे रहता था, तो मेरा डाइट अच्छा था। धीरे धीरे होम रेमेडीज कुछ होम रेमेडीज बहुत ज़्यादा फेवरेट बन गए क्योंकि उससे मतलब एक होता है ना जब एकदम कंटिन्यू अच्छे से फॉलो करते हो हर एक चीज़ को तो आपको रिजल्ट देता है। होम रेमेडीज थोड़ा सा वक्त लेता है पर आपको जब रिजल्ट देता है ना लॉन्ग टर्म तक देता है। तो धीरे धीरे मेरे स्किन का कलर धीरे धीरे रातों रात कुछ नहीं हुआ मेरे स्किन का कलर भी चेंज हो गया, फिर चेंज होता गया। फिर क्या हुआ मुझे ये चीज़ फिर पता मतलब फिर जब थोड़ा सा जब कॉलेज में जब आई ना तब मैंने क्या किया था तब भी मेरे स्किन और थोड़ा सा मतलब ये हो गया था पिंपल्स वगैरह और ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि उस टाइम ना कुछ ज़्यादा ही मैंने अपने साथ एक्सपेरिमेंट कर लिया। जब आप क्या करते हो ना थोड़ा बहुत जब आप पैसा कमाते हो तब मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी तब मेरा पहला सैलरी मिला था मतलब मुझे मिला था तो लगा था कि मैं ये प्रोडक्ट खरीद लूँ वो प्रोडक्ट खरीद लूँ और मैं हॉस्टल में तब थी तो उस टाइम पे बहुत सारे चीज़ें खरीद के लगाने लगी थी तो मेरी स्किन थोड़ा सा डैमेज हो गया था। फिर ना धीरे धीरे पता चला कि प्रोडक्ट से कुछ नहीं होता है, आपका सारी चीज़ जब डाइट से मतलब डाइट फॉलो करते हो एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो उसी से ही आपका हर एक चीज़ होता है। प्रोडक्ट जितना ज़रूरत हो उतना लगाओ और जितना कम लगाओ उतना अच्छा है, लेस प्रोडक्ट लगाओगे तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट देता है, और राइट प्रोडक्ट लगाओ। प्रोडक्ट कोई क्रीम कोई चीज़ खराब नहीं होता है, हम लोगों का मतलब हम लोगों का क्या बोले हम लोगों का नॉलेज कम होता है, हम लोग ये भी लगाएंगे वो भी लगाएंगे वो भी लगाएंगे, हम लोग खिचड़ी बना देते हैं इसीलिए वो चीज़ें हम लोगों पे वर्क नहीं करते, फिर हम लोग बोलते हैं वो चीज़ खराब है वो चीज़ खराब है। नहीं, मेरे स्किन में उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो मैं अगर 10-100 चीज़ें लगाऊंगी तो खराब तो हो गई। बाकी एक चीज़ है कि आपको सिर्फ क्लीनिंग करने की ज़रूरत होती है, मॉइस्चराइजर करा लो, सनस्क्रीन लगा लो, दैट्स इट। बट आप अगर कुछ भी ना करो ना, आप अपना हेल्दी मतलब वर्कआउट करो, खाने पे ध्यान रखो, पानी वानी पियो, हाइड्रेट रहो,
और आप अगर सनस्क्रीन लगाओ, सनस्क्रीन विदाउट सनस्क्रीन कुछ नहीं चलेगा, सनस्क्रीन लगाते जाओ, और अगर कुछ भी नहीं लगाओगे ना तब भी आपका स्किन बहुत अच्छा हो जाएगा, तब भी आपका स्किन बहुत अच्छा हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका डाइट के वजह से, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल के वजह से और सनस्क्रीन के वजह से। सनस्क्रीन हीरो प्रोडक्ट है हमारे स्किन में ना, बोलते हैं ना ये सनस्क्रीन है कि किंग है, किंग हीरो प्रोडक्ट है। सनस्क्रीन लगाओ, आपको खुद पता चलेगा आपकी स्किन टोन लाइट हो रहा है। लाइट मीन्स गोरा नहीं हो रहा है, लाइट मीन्स ऊपर का जो लेयर, जो ब्लैक, जो टैन, जो पिगमेंटेशन हो रहा है वो धीरे धीरे वो डेड सेल रिमूव हो रहा है। सो ये सारे चीज़ आप करते रहो, आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। मैं कुछ वीडियो का क्लिप मैं लगा दूंगी, आप लोग प्लीज़ वो सारे चीज़ थोड़ा सा सुन लेना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सेलिब्रिटी लोग क्या स्टेटमेंट देते हैं, वो लोग अपने स्किन के लिए क्या क्या करते हैं, हम लोग अपना ये सोशल साइड में क्या क्या सुन के बहुत सारा चीज़ गलत गलत कर लेते हैं, वो सारे चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आप लोग खुद समझ पाओगे कि एक डिसिप्लिन लाइफ कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अपने स्किन को ग्लोइंग, ब्राइट और क्लियर रखने के लिए। सो ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा सेल्फ कॉन्फिडेंट के लिए, क्योंकि आपकी बहन, मेरी स्किन इतना ज़्यादा डैमेज, इतना ज़्यादा ख़राब थी, अगर मेरा स्किन अच्छा हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता है? मैंने ऐसा क्या किया है बता तो दिया है, मैंने अपना डाइट पे ध्यान रखा है, मैंने अपना लाइफस्टाइल को चेंज किया है, मैंने अपना हर एक चीज़ को चेंज किया है जो मेरे स्किन के लिए अच्छा नहीं था। मैं 6 साल से कोई शादी के घर पर नहीं गई हूँ, मतलब वेडिंग किसी रिश्तेदार किसी के पे अटेंड नहीं किया है, क्योंकि 6-7 साल हो गया है मैंने मैदा नहीं खाया है, तभी जाके मुझे एक अच्छा स्किन मिला है। मैं मैदा नहीं खाती हूँ, एकदम मैं मैदा नहीं खाती हूँ, और शुगर का एस तक मैं नहीं खाती हूँ। शुगर मैंने छोड़ दिया है, मैदा शुगर मैंने 6-7 नहीं हुआ है, शुगर मुझे छोड़ते हुए 3.5 साल हुआ है। शुगर मैं बिल्कुल नहीं लेती हूँ, मैं स्टेविया लेती हूँ, मैं जैगरी लेती हूँ, पर शुगर नहीं लेती हूँ मैं, और बिल्कुल भी नहीं। मैं केक भी, मैं अपने बर्थडे में मेरा जो केक था ना वो भी शुगर फ्री था। तो मेरा, मैं भी बहुत ज़्यादा अपने डाइट पे फोकस रखती हूँ, मैं सिर्फ एक ही चीज़ मानती हूँ कि हेल्दी डाइट रहेगा सब कुछ ठीक होगा। तो आप लोग भी फॉलो करो, मैं जो भी रूटीन फॉलो करती हूँ, जो सारी चीज़ मैं करती हूँ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, वो सारे वीडियो को आप लोग देखो अपने लाइफ में, वो सारे खाना, जितना डाइट दिखाती हूँ, जितना डिटॉक्स वाटर दिखाऊँ, ऑल्टरनेट करके सब पिया करो, खाया करो, वो सारी चीज़ें आप लोगों को वैसे ही ईजिली हो जाता है। और आप लोग एक चीज़ करना, वो है वर्कआउट। अगर कोई घर पे ही हो, जिम नहीं जा पा रहे हो, तो घर पे वर्कआउट करो, बट करो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक क्लियर, एक ब्राइट स्किन के लिए। मुझे पता है, मेरा हुआ है। सो वर्कआउट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एक अच्छा और हेल्दी स्किन पाने के लिए। सो 3 चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक है वर्कआउट, दूसरा है बॉडी को हाइड्रेट रखना है, तीसरा है वो है आपका डाइट। तो बॉडी हाइड्रेट, डाइट तो एक ही जैसा ही हो गया, और तो ये दूसरा ही हो गया, तीसरा है सनस्क्रीन, सॉरी, यस। ये तीनों चीज़ को फॉलो करो, तीनों चीज़ को अच्छे से इस्तेमाल करो, और कुछ भी अगर आप लोगों को ये है कि कुछ भी अगर पूछना है क्या है नहीं है, तो कमेंट बॉक्स तो है ही, कमेंट बॉक्स में पूछ लो, मैं आंसर कर दूंगी। सो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना, ताकि सारे लड़कियों को कॉन्फिडेंस मिल सके। अरे मेरा जब ठीक हो सकता है तो आप लोगों को क्यों नहीं हो सकते? जस्ट सिंपल से कुछ रूटीन फॉलो करना है, स्किन केयर रूटीन नहीं बोल रही हूँ, सिंपल सा हेल्दी लाइफस्टाइल मींस अच्छे से खाना, कौन सा खाना खाना है, कौन सा होम रेमेडीज है जो आपकी स्किन के लिए अच्छा हो सकता है, कौन सा स्किन केयर है ऑफकोर्स वो भी आपके स्किन के लिए अच्छा हो सकता है, ये सारे चीज़ें फॉलो करके ही तो आपका सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा। आप भी एक हेल्दी और एक कॉन्फिडेंस स्किन आपका भी मिल सकते हो, आप भी एकदम बहुत अच्छे से अपना लाइफ को इंजॉय कर सकते हो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ। सो इतना तो मैं आप लोगों के साथ एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ कि मैं जितना आप लोगों के लिए, मतलब मैं वीडियो बना के जितना मैं उसमें इफेक्टदार रही हूँ,
आप लोग भी अपने लिए वो चीज़ करो, मेरे लिए तो नहीं कर रहे हो, करोगे आप खुद के लिए करो, करना शुरू करो, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि आप लोगों को चेंज हो रहा है। एक होता है ना, करते करते जब रिजल्ट मिलता है तो इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उसको लगता है कि और थोड़ा करे और थोड़ा करे, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, फिर मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, अच्छे से रहिए और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपने ऊपर बहुत अच्छे से उसको वर्क करिए। हेल्दी लाइफस्टाइल एक दिन में नहीं मिलता है, वर्क करने के लिए आपको रोज थोड़ा थोड़ा करके स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा, अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। चलो आज 5 बजे नहीं उठ पाई, लेट हो गया, कोई बात नहीं। आज 6 बजे नहीं उठ पाई, लेट हो गया, कोई बात नहीं। 7 बजे नहीं, ऐसा करके ते करते थोड़ा थोड़ा स्टेप, बेबी स्टेप लेते लेते आप एकदम प्रो हो जाओगे। एक टाइम ऐसा आएगा अलार्म का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको खुद अब उठ जाओगे, क्योंकि आपको पता है आपको उस टाइम उठना है, आपको उस टाइम सोना है। सो चलो आज के लिए इतना ही। सो फिर मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए। बाय।